वाह, तूने बोला और हमने सुन लिया। मुझे आज से टैक्सी चलानी है। टैक्सी तो क्या, मैंने अब तेरे को जबान तक चलाना नहीं देना है। बड़ी आई, सुनो तो सही। आप तो बस बोलो मत, वरना माता रानी के 100 मैंने फिनाइल में आटा गूंथ के उसी के परोठिया बना के खिला देनी है आपको। नहीं, आप बाप हो क्या? यहाँ बेटी शेर की तरह गरजे जा रही है और आप बैठे हो वहां दुबक के कोने में चूहे की तरह। नहीं, तुझे तो टैक्सी चलाने का भूत चढ़ गया है ना। माही पुत्र, ये उम्र तेरी ब्याह करने की है। इस उम्र में कुड़ियां टैक्सी नहीं कढ़ाई में करछियां चलाती हैं। और एक तू है कि नहीं, तू खुद सोच लोग क्या कहेंगे। हाँ वेखो जी, चोपड़े की कुड़ी टैक्सी चलांदी है। क्या बोल, मतलब ब्याह नहीं करना है तो क्या महाभारत में उस धृतराष्ट्र की तरह कुंवारा मर जाना है? भीष्म पितामह की तरह। मतलब समझ आ गया ना, तो हो गया, तू टैक्सी नहीं चलाएगी, बस गल खत्म। वाह वाह वाह, तूने कहा और हमने सुन लिया। मैं आज से टैक्सी चलाऊंगी। टैक्सी तो क्या, मैंने तेरे को जबान तक चलाना नहीं देना है अब। बड़ी आई, अरे सुनो तो। आप तो बस बोलो मत, वरना माता रानी के 100 मैंने फिनाइल में आटा गूंथ के ना उसी की परौठिया बना के खिला देना है आपको। नहीं, आप बाप हो क्या? बेटी यहां शेर की तरह गरजे जा रही है और आप वहां कोने में बैठे हो चूहों की तरह दुबक के। नहीं, तुझे तो वो टैक्सी चलाने का भूत चढ़ गया। माही पुत्र, ये उम्र तेरे ब्याह करने की है। इस उम्र में कुड़ियां टैक्सी नहीं कढ़ाई में करछियां चलाती हैं। और तू है कि नहीं, खुद सोच कैसा लगेगा जब लोग कहेंगे, ओ वेखो जी, चोपड़े की कुड़ी टैक्सी चलाती है। क्या ब्याह नहीं करने? क्या बोल, ब्याह नहीं करना है तो क्या महाभारत में वो धृतराष्ट्र की तरह कुंवारा मर जाना है? भीष्म पितामह की तरह। मतलब समझ में आ गया ना, तो बस हो गया, तेरे को टैक्सी नहीं चलानी, बस गल खत्म।